थीटा अंडर रूट टू माइनस वन अपॉन वन, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लेट कर लेते हैं परपेंडिकुलर को। अब यहाँ पे तुम एक्स लिख दो और नहीं लिख दोगे तो भी चलेगा, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बेस को मान लो एक्स, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। परपेंडिकुलर की जगह ये, बेस की जगह ये। ध्यान से समझना जरा, इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अब इसका होल स्क्वायर खोल दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस वन, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो कितना आ गया हाइपोटेनस बताओ? एच इक्वल टू 4 माइनस 2 रूट 2 एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 4 माइनस 2 रूट 2 एक्स। अजीब सा आ रहा है लेकिन, सॉरी, रूट तो हटेगा ही नहीं, ये पे रूट रहेगा, एक्स पे हट जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए? साइन थीटा और कोस थीटा। साइन होता है पी अपॉन एच। हाँ नंदनी का सही था बेटा। अगर देखो साइन होता है पी अपॉन एच, पी मतलब रूट टू माइनस वन अपॉन एच। कोस होता है बे अपॉन हाइपोटेनस, यानी तो हमने साइन और कोस दोनों की वैल्यू निकाल ली है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे क्योंकि तो ये हमें प्रूव करना है, तो करते हैं पुट। ठीक है बेटा, तो पुट कर देते हैं। क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड है टेन, ओ सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। साइन की जगह ये वाली वैल्यू रख देते हैं, अंडर रूट टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट में 4 माइनस 2 रूट 2। कोस की जगह ये वाली रख देते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट में 4 माइनस 2 रूट। तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1, नीचे स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि दोनों एक जैसी टर्म है। बस अब इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 4 प्लस 2 रूट 2, 4 माइनस 2 रूट 2, रैशनलाइज कर लो। नीचे कितना आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं 4 रूट 2। रूट टू को 2 रूट 2 से करेंगे तो 4, 1 को 4 से करेंगे माइनस 4, इसको इससे करेंगे 2 रूट। तो कुल मिला के आ गया 2 रूट 2 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8, 2 रूट 2 अपॉन 8। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।